1160 का हमें करना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरह से करेंगे, 216 को हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब इंटू 10, ठीक है। और इसके बाद करेंगे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 और गुना 5 गुना 2, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कर क्या हुआ इसका कि 2 की पावर तो बना 4 इंटू 3 की पावर बना 3 और 5 की पावर बना 1, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए टोटल, ये जितनी भी पावर्स हैं ना 4, 3, 2, देखिए अभाज्य संख्याओं की पावर के फॉर्म में लिखना है, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालने हैं, तो इसी पावर लिखी है ना, सॉरी पावर का एक जोड़ना है, हर पावर में एक जोड़ के और उनका ले लो प्रोडक्ट, ठीक है, उनकी ले लो गुणा, सही है, 1+1, तो कितना बना 5 गुणा 4 और गुणा 2, तो ये बन गया 40, ठीक है। तो 40 हो गए नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए 40, ठीक है भाई। और अब देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि नंबर इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, और जो कौन कैसे फैक्टर हो, इवन फैक्टर हो, तो इवन फैक्टर अगर निकालने हैं तो इवन में हमें पता है सम लेने हैं। और अब ध्यान देना कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ था, 2 की पावर 4 और गुना 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। इवन वाले में क्या करना है कि ये जो 2 की पावर 4 है ना, क्योंकि हमें पता है 2 ज़रूरी है, तो इसमें 2 की पावर 1 भी छिपा हुआ है, तो उस 2 की पावर 1 को हमें हटा देना है। मतलब ये 2 की पावर जितनी भी है ना, 2 से जितनी भी फैक्टर बन रहे थे उसमें 1 की कमी हो गई, तो अब हमें इस 2 के फैक्टर में 4 में 1 नहीं जोड़ना है, 2 की पावर जो 4 है उसमें 1 नहीं जोड़ना है, सिंपल ऐसे ही कर देना 4, लेकिन बाकी सभी में वो पहले वाला ही फॉर्मूला लगाना है, 3+1 और 1+1, ठीक है। कितना हुआ, 4 गुना 4 और गुना 2, कितना हुआ, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, तो अगर इवन फैक्टर देखते हैं तो 32 आते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर ओड फैक्टर देखने हैं हमें, तो ओड फैक्टर में क्या कहानी है, ओड फैक्टर अगर देखने हैं तो ओड फैक्टर में क्या होगा, ओड में यही जो है ना 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 और गुना 5 की पावर 1, ये प्राइम फैक्टर जिसमें 2 हमारा हुआ था। अब ओड जाइए, तो ओड में हमें पता है कि 2 अगर आ गया तो इवन बना देगा, तो इस 2 के सारे फैक्टर को हटा दो, केवल 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1 इस पर फोकस करो, और वही हमारा अपना फॉर्मूला लगा दो कि जो घात हैं, जो पावर्स हैं, उनमें 1 जोड़ो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो, 1+1 कितना बना 4 और गुना 2 कितना 8, ठीक है भाई। तो 3 क्वेश्चन देखे आपने, एक तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 40 हुए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर 32 हुए, और ओड नंबर ऑफ फैक्टर 8 हुए। अब ध्यान देना, ये जो इवन है, कभी हिंदी में बोलते हैं इसे सम, कि ऐसे कितने फैक्टर है जो सम है, और इसे बोलते हैं विषम, ठीक है, ऐसे कितने फैक्टर है जो विषम है, तो सम फैक्टर 32 और विषम फैक्टर 8, ओके।